ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਵ ਹੈ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ कि टंडन साहब फिर आने वाले समय के जिहड़े आ दस्तार बन के जिहड़ी अगली इंटरव्यू होगी जां राजीव टंडन तो हुण राजीव सिंह बनणगे कि इदां दे हुलिए च नज़र आउणगे बिल्कुल हर पंजाब का बच्चा हिंदू सिख जिहड़ा जिहड़ा मर्जी होवे उहदे मन च वी कोई गल है वी पंजाब नूं खालस प्योर राज की लोड़ है मैं साफ कहना वी पंजाब नूं खालस राज की लोड़ है उस तरह के राज की लोड़ है जिथे ना भ्रष्टाचार हो ना रिश्वतखोरी हो ना किसी को डर हो ना किसी के मन च बह हो गल होनी चाहिए पंजाब नशा मुक्त हो क्यों ना हो खालस राज क्यों ना होगा लोग गल करते भी सानू असी भी कहने पंजाब च खालस राज होना चाहिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो तो साजे से ना मुगलों ना लड़ाई लड़ने सजे थी तो सिंह सजे सी कोई टंडन साहब कोई कबाड़खाने के विचों कोई साइकिल खरीद लगे ना पुराना वह भी स्टैंड होंदा तो शिवसेना का कोई स्टैंड ही नहीं है जेडे भड़काऊ भाषण देते सिर्फ गणमैन की राजनीति करते हैं उन्होंने तो खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए असी हर उस शिव सैनिक का भी विरोध करांगे जिन्हां लोगों ने पंजाब च हिंदू सिखां दा मतभेद पैदा करने विच रोल अदा किया ये रंग जिहड़े बदलदे आ फिर इहदा कारण की है कि हुण डर तां ही लगन लग गया कितें राजीव टंडन जिहड़ी गल कर रहा वह गल कर रहा खालस राज प्योर शुद्ध राज ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਟੰਡਨ ਡਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਪੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਾ ਜਾਤ ਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ हाँ जी सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइनस मैं तुहाड़ा दोस्त गगन समाद ते शिवसेना पंजाब दी असीं गल कर लगे तो शिवसेना जिहड़ी पंजाब वो अक्सर ही जिहड़ा सुरखियां दे विच रहिंदी है ते अक्सर ही जिहड़ा लगातार उन्हां वल्लों जिहड़ियां गतिविधियां पंजाब दे विच हुंदियां वख-वख जिहड़ी आवाज़ है उह शिवसेना वल्लों जिहड़ी चक्की जांदी है ते इहदे जिहड़े आगू ने उह वी तुसीं देखे होणगे कि हर एक मुद्दे नूं लै के रौला पाउंदे होए जिहड़े नज़र आउंदे ने ते पर हुण असीं गल करदे हां कि अमृतपाल सिंह ने जो कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे जिहड़े मुखी लगाए गए ने ते उहनां दी दस्तारबंदी भी होई सी उस तों बाद जिहड़ा उहनां वल्लों लगातार जिस हिसाब नाल मंगां रखियां जा रहियां ने कि पंजाब विच इहो जिहा राज होणा चाहीदा पंजाब विच जो कि खालिस्तान दी जिहड़ी मंग आ कितना ना कित जी उठती वो नज़र आ रही है पर हुण इस सारे माहौल में देख के जी शिवसेना पंजाब है उसके जोड़े सुर है वह बदलते हुए नज़र आ रहे हैं तो नाल ही जोड़ा राजीव टंडन जी ने शिवसेना के आगू ने सो इन वालों भी जो लगातार पहले एक प्रोटेस्ट जोड़े किए जाते कि असी जो मुख्यमंत्री है वह हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए तो हूँ जोड़े रंग ने सुर ने बदलते हुए नज़र आ रहे हैं राजीव टंडन जी सा मौजूद हो गए सवाल पूछते हैं कि हूँ जोड़ा माहौल है चेंज हों जा रहा कारण की है राजीव जी सत श्रीकाल जयकारा है वीर बजरंगे हर हर महादेव राजीव जी हुण जिहड़ी शिवसेना पंजाब है तुसीं उहदे इक आगू हो हुण रंग ते सुर बदलदे दोनों ही नज़र आ रहे हैं कि कितें ना कितें जिहड़ा राजीव है टंडन साहब ने वह जिहड़ा हुण खालस राज की मंग कर रहे हैं की कारण है बिल्कुल मैं एक पंजाब का मैं देश का देशी होने करते पंजाब के धरती से पैदा होने जिहड़ी मेरी जिम्मेदारी बनती है धरती की संभाल की जिहड़ी जिम्मेदारी बनती है उस लई मैं साफ कहना भी पंजाब नूं खालस राज की लोड़ है बिल्कुल साफ है
स्पष्ट है। हर पंजाब का बच्चा हिंदू सिख जिहड़ा चाहे जिहड़ा मर्जी होवे, चाहे हिंदू होवे चाहे सिख होवे, उहदे मन च वी कोई गल है वी पंजाब नूं खालस प्योर राज की लोड़ है। प्योर प्योर देसी घिओ होंदा ना जिद्दां, उस तरह के राज की लोड़ है जिथे ना भ्रष्टाचार होवे, ना रिश्वतखोरी होवे, ना किसी नूं डर होवे, ना किसी दे मन च बह होवे। मैं सीधी गल कर रहा, अमृतपाल दा गल कर रहा, खालिस्तान दे विच गल कर रहा, पंजाब नूं अलग करन दी गल कर रहा, पर राजीव टंडन जिहड़ी गल कर रहा उह गल कर रहा खालस राज, प्योर शुद्ध राज जिहदे विच कोई भी मिट्टी का दाणा ना होवे, ना कोई कंकर होवे, ना जिथे नशा विकदा होवे, ना किथे कोई चोरी हुंदी होवे, ना कोई जात पात दी धर्म दे नाम ते लड़ाई हुंदी होवे। मैं उस राज की गल कर रहा, उस खालस राज की गल कर रहा। मैं कि टंडन साहब फिर आने वाले समय के जेड़े आ दस्तार बन के जी अगली इंटरव्यू होगी ज राजीव टंडन तो हुण राजीव सिंह बन गए कि इदां दे हुलिए च नज़र आउणगे? बिल्कुल तुहाडी परिभाषा ही गलत है, लोगों की सोच भी मैं देखिया, मेरी कल भी छोटी इंटरव्यू चली है उहदे च भी लोगों ने कमेंट किए मैनु भी बड़ी जल्दी सुर बदल ले, बड़ी जल्दी बदल ले। एक घर च पैदा होए, एक घर च एक वेड़े च खेलण वाले सिख परिवार का एक सिख बच्चा, एक हिंदू बच्चा, एक माँ के पेट चो जमया होया बच्चा, दोनों एक हिंदू भी उस परिवार पेट चो जमया, उस माँ के पेट चो जमया सी, सिख भी उस पेट चो जमया सी, उसे माँ के पेट चो जमया सी, अज वख वख किदां हो गए मैनू दसो ना। इको माँ के पेट चो जमया होया हिंदू परिवार का एक वड्डा बच्चा सिख बनता, उसे माँ के पेट चो जमया बच्चा हिंदू बनता, वह वख वख किदां हो गया, उन्हां दा धर्म वख वख किदां हो गया, दसो मैनू जवाब दिओ। लोग तो गल करते हैं जी, गल कट्टरवाद खालिस्तानी लोग गल करते हैं भी सिख धर्म है, सिख समाज है, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो तो साजा सी ना मुगलों ना लड़ाई लड़ने सजे सी, तां सिंह सजे सी ना कि सिख सजे सी। मैं साफ गल कर रहा, अगर इदा की भेदभाव की गल होंगी तां हेमकुंड साहब के जिथे लक्ष्मण मंदिर है उत्थे गुरद्वारा साहब का निर्माण किदा हुंदा, किदा होया दसो ना, क्योंकि उदों साडे मन च भेदभाव नहीं सी, साडी इक्को गल सी, इक्को ही सांझ, इक्को ही परिवार दे सी बच्चे हाँ, असी इक्को परिवार दे बच्चे हाँ, इक्को माँ दे पेट चो असी जम्मे होए बच्चे हाँ। दसो ना मणिकरण जिथे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है उत्थे गुरुद्वारा भी तो है ना, अगर उत्थे मणिकरण जां भोलेनाथ का मंदिर इन्ने प्राचीन सालों तो उत्थे फिर गुरुद्वारे का निर्माण किदां हो गया? क्योंकि साडे च भेदभाव नहीं सी, ये भेदभाव पाया गया। लोग शुद्ध की गल करते, लोग गल करते भी सानू असी भी कहने पंजाब च खालस राज होना चाहिए, इस तक गल ही नहीं करते, असी कहने गुरुआं की गल, साडे पंजाब की धरती गुरुआं पीरां की साडे नाथां की धरती है, ये भेदभाव किने पाया? राजनीतिक लीडरां ने किने पाया, किने साडे हिंदू सिखां च कतलेआम कराया? पोलीटिकल बंदियां ने। उह लीडर भी तो फिर जिहड़े फर्क पाउंदे लीडर भी तो तुसीं हो, असी नहीं उह तो तुसीं जिहड़ी गतिविधियां हुंदियां शिवसेना नूं जिहड़ा भड़काऊ शिवसेना बयान दिंदे जे तुसीं आगू आ तुसीं भड़काऊ बयान दवाउणे हो लोकां नूं इकट्ठे करके पुतले फूकण लई लै के जांदे हो तां ही फिर हुंदा सारा कुछ। तुसीं मेरी कार्यप्रणाली गल करो, साडे शिवसेना पंजाब की कार्यप्रणाली की गल करिए तां असीं लोक देश हित ते पंजाब हित दी ते असीं भाईचारे की गल करदे हां। हाँ तुसीं आरोप लगाने शिवसेना पंजाब दे लीडर कुछ लीडर हैं जिहड़े भड़काऊ भाषण देंदे, सिर्फ गणमैन की राजनीति करते हैं, उन्हां दे खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिहड़े कट्टरवादी लोग ने अमृतपाल सिंह वर्गे लोग ने इन्हां लोगों के खिलाफ़ भी जिहड़े पंजाब नूं देश चों अलग करन की गल करते हैं इन्हां दे खिलाफ़ भी ठोस तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए है। तुसीं पहलां की हुंदा सी कि जिहड़े भिंडरांवाले ने भिंडरांवालियां दे विरुद्ध लगातार तुसीं बोल बोल के पहलां तो सिक्योरिटियां लैणियां, हुण तुहाडे सुर बदलदे नज़र आ रहे हैं, कितें हुण टंडन डर गया? नहीं नहीं नहीं, पिंडरांवाले की तुम गल करो, अज भी असी लोग विरोध करते हैं, असी हर उस सत्तवादी का विरोध करते हैं जिन्हें मासूम लोगों का कत्ल किया, असी हर उस शिवसेना का भी विरोध, शिव सैनिक का भी विरोध करांगे जिन्हां लोगों ने पंजाब च हिंदू सिखां का भेदभाव भेदभाव मतभेद पैदा करने विच रोल अदा किया। मैं साफ कहना हज़ारा शिव सैनिकों ने जो पंजाब अत्तवाद से ना कुरबानियां दित्तियां, मैं फिर कह रहा जिन्हां ने कुरबानियां दित्तियां वो तो शिवसेना वाले कभी रौला पाते देखिए पंजाब दे विच, क्यों थापर साहब देखिए कभी रौला पाते, तुसीं देखिए कभी जिन्हां ने पंजाब जो 1992 लैके 1980 तो लैके 1992 जो जिन्हां ने अत्तवाद झेलिया तुसीं देखिया कभी उन्होंने रौला पाते, कभी सिख समाज के खिलाफ बोलते, कभी जिहड़े आ कुछ नवे आए हैं जिन्होंने दुकानदारियां बनाई हुई हैं वो लोग सिखां के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग कट्टरवादियों के खिलाफ बना के माहौल बना के भिंडरांवाला जिहड़ा कि मार दिता भारतीय फौज ने उन्हूं 1984 ब्लैक थंडर के मार दिता, ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार के मार दिता, उसनों बार बार जिंदा करन दी की लोड़? समाज की गल करिए, हित की गल करिए, देखो गल सीधी जी गल है, पंजाब च गल होनी चाहिए, पंजाब च गल होनी चाहिए, पंजाब नशा मुक्त होवे, क्यों ना होवे, उस खालस राज दे विच क्यों ना होगा,
खालस राज कौन दूगा, गल तो यह नहीं ना। हूँ अमृतपाल गल कर रहा भी असी खालस भी सानू खालिस्तान बना के दो, असी अलग करा, असी साडे देश दे विच ये होएगा, साडे देश नशा मुक्त होएगा, साडे देश दे विच कोई चोरी होगी, साडे देश दे विच धर्म पा जात पात की राजनीति होगी, साडे देश विच किसान खुशहाल रहेगा। की गल कर रहे अमृतपाल, यही गल कर रहे ना। पर मेरा भी एक सवाल है ना, पंजाब विच जिन्ने मुख्यमंत्री आए सारे सिख समाज तो आए, इन दे ला लो चाहे कट्टरवाती ला लो, जथेदार साहब भी ला लो, पिंडराले जी आए आए ना, इन्हों के पिंडराले मैं जी कह रहा, इन्हों के हिसाब से अमृतपाल जी के चक्कर के मैं कह रहा भी अमृतपाल इन्हों का भी चलो जिन्होंने संत कहते, पर मैं साफ कहना मासूम लोगों का कातल सी, क्या उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त किया 1955 तो बाद 1966 तो बाद जिन्हें भी मुख्यमंत्री आए, 50 साल 55 साल होने लगे ने, जिन्हें भी मुख्यमंत्री आए सारे ही सिख समाज तो आए हैं, क्या उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त किया, क्या उन्होंने पंजाब को खुशहाल किया, क्या उन्होंने राज किसान खुशहाल होया होया दसो ना। जिहड़ा अमृतपाल गल कर रहा भी साडा जिहड़ा खालिस्तान राज होगा वो नशा मुक्त होगा, क्या मेरी गल पूरी होलन दो भाई साहब, उन्होंने गल की भी पंजाब साडा खालिस्तान राज होगा, पंजाब साडा नशा मुक्त होएगा, उदो नशा जो खालिस्तान का राज आएगा उत्थे दा मुख्यमंत्री भी सिख होएगा ना, क्या जिन्हें मुख्यमंत्री पंजाब चाहे ने 1966 तो सारे सिख समाज तो आए ने 50 साल तो, क्या उन्होंने पंजाब नू नशा मुक्त किया, क्या पंजाब क्या जिन्हें मुख्यमंत्री आए क्या उन्होंने पंजाब नू भ्रष्टाचार मुक्त किया, दसो ना अपने घर भरे ना लोगों ने। पंजाब इको व्यक्ति खालस का राज दे सकता, मैं प्योर शुद्ध राज इको ही बंदा दे सकता। गल कहने भी जे कि हिंदू समाज का बंदा कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर पंजाब च नशा भी बंद होगा, पंजाब का खुशहाल भी होगा, थोड़ी ये सोच है साढ़े मन की, साड़ी मन की पीड़ा, तुम सवाल ठीक है, थोड़ा सवाल सब सही पहुँच सही जगह तुम पहुँच रहे हो, साढ़े मन की पीड़ा ना पंजाब के हिंदू की पीड़ा भी हर वेले कितना कितने दो साल बाद अमृतपाल वर्गा बंदा पैदा हो जाता, वो फिर सानू पंजाब अलग करने की गल करता, फिर साढ़े दिमाग वो गल्लां याद आई 1947 जो होया सी, जदों देश पाकिस्तान ते भारत का बंटवारा होया सी, तां हज़ारां मासूम लोगों का लखां ही मासूम लोगों का कतल होया, ट्रेना भर के उधरों दी हिंदुस्तान भेजिया जांदियां सी, मार मार के भेजिया, लाशां भेजी जांदियां सी, ते इधरों भी कुछ ना कुछ भेजा जांदा सीगा, उही लोगों के मन च फिर याद आ जाता भी क्या जो हुण खालिस्तान की गल फिर उठ रही है, जो खालिस्तान बनता है फिर बंटवारा होएगा, साडियां लाशां फिर उधर नूं जाणगियां, उन्हां दी इधर नूं आणगियां, दसण ना मैनूं एक गल दसो ना, कोई चाहता पंजाब का समाज की चाहता, पंजाब का हिंदू की चाहता, पंजाब का सिख की चाहता, वो इको गल चाहता, साडी धरती गुरुआं पीरां दी धरती, साडी धरती नाथां दी धरती, इत्थे सिर्फ खालस राज चाहिदा, शुद्ध राज चाहिदा, जिथे भ्रष्टाचार ना होवे, जिथे नशा ना होवे, जिथे जात पात की लड़ाई ना होवे, जिथे बिल्कुल जिहड़े कह लो कहिंदे ना धक्केशाही ना होवे, धक्केशाही ना होवे, धक्केशाही किदां रुकूगी, जिहड़ा देखदा अपने हत्थ, गुरु गोबिंद सिंह ने जदों निहंग साहब भी साजे सीगे उदों गुरुआं ने अपनी फौज बनाई सी लड़न वास्ते, अज दे इत्थे निहंकी कर रहे ने मासूम लोगों का, कभी गाटा बाता पुलिस ने उन्हें रोक लिया तो उसकी कृपाण मार के बांह तोड़ती, की लोड़ है इन्हों हथियार की, जो तुम खालस राज देता प्योर राज देता उत्थे जो बदमाशी नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होगी, अत्तवाद नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, चिकारी नहीं होगी, तो फिर कोई आम व्यक्ति भी कितना कृपान लैके घूम सकता, उन्होंने कोई लोड़ भी की है, जो असी खालस राज ही देता फिर उस वे किसी भी व्यक्ति को अपने कोल कृपान रखने की लोड़ की है, अपने कोल पिस्टल रखने की लोड़ की है, वो व्यक्ति अपने बच्चों ना खेले घूमे फिरे जिदा मर्जी जाए, खालस राज क्यों कहने भी लुट को ना हो, नशा ना हो, ठीक है रेत माफिया ना हो, सरकारी खजाने की लुट ना हो, लोग खुशहाल रहन, किसान साडा खुशहाल रहे, साडा व्यापारी खुशहाल रहे, शहरी वर्ग खुशहाल रहे, जिथे जिथे शहरी वर्ग खुश रहना चाहिए उत्थे उत्थे पिंड के लोग भी खुश रहने चाहिए, तो ही साडा पंजाब खुशहाल रहेगा। अमृतपाल की करता खालिस्तान की गल करता, पंजाब हिंदुस्तान चो अलग करने की गल करता, असं की कहने भी पंजाब नू हिंदुस्तान रह के खुशहाल बनाया जा सकता है, अगर तुहाडी नीयत साफ होवे, जिहड़ा मुख्यमंत्री तुहाडा होवे बिल्कुल साफ होवे, मैं तो फिर कह रहा इको एक व्यक्ति इको समाज का व्यक्ति खालस राज दे सकता, वो हिंदू समाज का व्यक्ति खालस राज देता, जो भी पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू बनेगा पंजाब विच खालस राज की स्थापना होगी। मैं टंडन साहब मैनू ना थोड़ियां गल्लां सुन के थोड़ा हासा आई जांदा है, टंडन साहब कोई कबाड़ खाने दे विचों कोई सैकल खरीद लगे ना पुराना उहदा भी स्टैंड हुंदा, ते शिवसेना दा कोई स्टैंड ही नहीं है, कदे तुसी खालस राज दीआं मंगां करदे हो, कदे तुसी हिंदू राष्ट्र दीआं मंगां करदे हो, कदे तुसी किसे जा बयान दिंदे हो, यह रंग जिहड़े बदलदे आ, फिर इहदा कारण की है कि हुण डर तां ही लगन लग गया कितें। मैं खालस दी गल कीती है, मैं खालिस्तान दी गल नहीं कीती, मैं खालस राज की गल की है, मैं प्योर शुद्ध देसी घ्यो की, देसी गां की, प्योर दुध घ्यो की गल की है भी वह मिलना चाहिए पंजाब के लोगों को। टंडन साहब एक गल का मैं जवाब दो, तुम आपदे आपू पंजाब के वड्डे हमदर्द ही समझते हैं, पंजाब पिंड किन्ने जिले किन्ने पंजाब ना, सवाल खत्म करना चाहते हो, मेरे मुद्दे को खत्म करना चाहते हो,
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ 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 ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਤਾ ਭਟਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਦਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਖੱਟੇ ਜੋਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਪਾਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭੜਕਾਓ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਜੀਵ ਟੰਡਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਵਜ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਧਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਰੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਧਵੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਝੇਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪ
टंडन साहब मेरा हुण तुहाडे सवाल चो सवाल है ते मैं हुण कन्न फड़ूंगा सीधा फड़ूंगा ते जवाब सीधा चाहिए मैनू। तुसी ये गल कहने हो भी साडा जिहड़ा हिंदू समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। मैनू हाँ ते ना च जवाब दिओ, मैनू मैं सवाल पूरा करना पहला हाँ ते ना च जवाब दिओ। तुसी कहने हो हिंदू समाज का बंदा मुख्यमंत्री होना चाहिए कहने हो। हाँ जी बिल्कुल कहना ही हिंदू। अच्छा हुण इत्थे एक मिनट, मेरा सवाल ना मेरा सवाल पूरा नहीं होया, पहला मेरा जवाब देना चाहिए। मेरी गल सुनो टंडन साहब मेरी गल सुनो, पहला सवाल तो भज्जा ना करो। तुसी कहने हो बस जवाब दे दो, फिर तुसी मैं उही तां पुछ रहा ना, दो मिनट गल तां सुनो मेरी। तुसी कहने हो भी जिहड़ा हिंदू समाज का बंदा मुख्यमंत्री होना चाहिए, यह गल तुसी कहने हो। तुसी हिंदू हो? मैं बिल्कुल हिंदू हाँ जी। तुसी हिंदू हो? तुसी एक आगू भी हो शिवसेना दे? हाँ जी चेयरमैन हाँ जी। तुसी फिर लुधियाने चा चेयरमैन हो, तुसी किन्ने क लुधियाने च चंगे काम कराते, थोड़े किन्ने क बोर्ड लग गए, तुसी तां हमेशा भड़काऊ बयान दिंदे। तुसी हिंदू हो के तुसी नहीं कोई सवार सके, ते जे हिंदू समाज दा बंदा तुसी कहिंदे मुख्यमंत्री बन गए, फिर वह की सवार लू? तुहाडा ना सवाल तुहाडी अपनी जगह ठीक है, पर मेरी नहीं, तुहाडा सवाल गलत है। गलत नहीं, तुसी दसो की सवारिया की है, की देन की है, पंजाब नू थोड़ी की देन है, कोई देन हैगी है तुहानू पंजाब बारे पता मुद्दियां दा कुछ हुंदा नहीं? एक मिनट भाई साहब, मैं तां तुच्छ बच्चा, मैं तां छोटा जिहा हिंदू समाज का सेवक हाँ, मैं की दे सकदा अपने समाज नू? मैं तां समाज को अपने को लैणा आशीर्वाद लैणा भी पंजाब नू असीं खालिस्तान दे खालस राज दईए, असीं पंजाब नू खालिस्तान मुक्त करिए, असीं पंजाब नू इक खालस मुक्त देसी घिओ वर्गा राज दईए, आशीर्वाद दिओ सारे। मैं समाज नू कहना वी असीं पंजाब दा इक हिंदू मुख्यमंत्री लिया सकीए। मैं साफ कहना एक गल, तुसीं देख लो किसे वी चैनल अमृतपाल की गल करो, अमृतपाल की करूगा वी सिख साडे भरा कहिंदे ना, ज़्यादातर कट्टरवादियों नू गल करो ना वी हिंदू कित्थे जाणगे, ओह की कहणगे हिंदू साडे भरा ने कहिंदे ना, कहिंदे नहीं कहिंदे कहिंदे ना सिख जिन्ने भी कट्टरवादियों तुसीं गल करदे हो, जो कहिंदे खालिस्तान बनाने की गल करके, वह कहणगे वी हिंदू समाज की छड के चल जूगा, कहिंदे नहीं, वह की कहणगे वी हिंदू साडा भरा। फिर मैं पुछना चाहना अगर वो सानू भरा मनते ने, फिर पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू भरा उन्हों का बन जाए तो उन्होंने इतराज क्यों है? सिख समाज का राज देख लिया ना आप, पिछले 55 साल तो सिख समाज का राज देख रहे हैं, सानू लोगों ने भ्रष्टाचार दिता, नशाखोरी दिती, सानू जात पात के नाते पाड़ दिता, हिंदू सिखा च भेदभाव पाता, साढ़े गुरुद्वारे च हमले कराते, साढ़े मंदिर तड़वाते। साहब ये तुसी घुमा के जवाब दे रहे हैं, ये मेरा सवाल ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं। मैं कित्थे कित्थे टंडन अज कित्थे किसे ने कहा भी टंडन साहब ने अज आह काम कराता, टंडन साहब ने किसे किसी गरीब की धी के नंद कार्ज कराते, टंडन साहब ने कितने हस्पताल जाके दान करता, टंडन साहब ने कहते तुम खुद कहते चज का काम नहीं किया, होर उम्मीद की करते हो, कहते होर उम्मीद है किस तो की करते हो? भाई साहब कितनी देर हो गई आपको चैनल ज्वाइन करते? मैं तो बहुत पुराना जी, मैं तो बट बड़ा टाइम हो गया। मैनू कभी देखा हिंदू समाज ने इधर दान दिता हो उधर फोटो करा हो? दसो ना जोड़ा कहें ना चंगा काम किया उ जो दिखावा ना किया जाए चार शब्द बोल दो, सिक्योरिटियां ले लिया घरे बैठ के, बस होर काम ही है नहीं कोई। मैं हुण अगर चंगी गल करिया तुहानूं भी तकलीफ है, चंगी गल क्यों कर रहे हैं तुहानूं भी तकलीफ है। मैं गल कर रहा भी हिंदू सिखां भेदभाव कट्टरवादी ते कुछ ज्यादातर शिवसेना लीडर भी पा रहे, तुहानूं उह भी माड़ी गल लगन लग गई। अगर मैं कोई चंगी गल कर रहा फिर तुहानूं तराज क्यों जांदा? दसो ना तुसीं क्यों विषय ते भटक रहे हो? मैं तो कह रहा भी कुछ साढ़े लीडर ने, कुछ कट्टरवादी जोड़े लोग ने, कुछ साढ़े भी लीडर ने जोड़े लोग शिवसेना के लीडर के नाम से दुकाना खुली बैठे ने, उन्होंने लोगों का भी काम है भी हिंदू सिखा च भेदभाव पा रहे हैं। मैं तो सारे सवाल कर रहा ना, मैं सारे पंजाब के लोगों को सवाल कर रहा भी इको माँ चो असी जमे हाँ, जो शुरुआत हुई सी सिख समाज की उदों हरेक घर चो एक वड्डा बच्चा सिख बनता सी, इको पेड़ चो जमिया हुआ हिंदू परिवार का बच्चा, इको पेड़ चो माँ के पेड़ चो जमिया हुआ सिख परिवार का बच्चा अज किदां अलग अलग हो सकते हैं? कौन लोग सानू अलग कर रहे हैं? उत्ते विचार करना चाहिए। सिख समाज के लोग मुख्यमंत्री बन चुके ने, 55 साल तो बंदे आ रहे हैं। अगर कोई हिंदू परिवार का बंदा कोई मुख्यमंत्री पंजाब का बन जाएगा, किसी को इतराज क्यों? देखना तो चाहिए ना, वक्त की लोड़ है, अज लोड़ है, असी कह रहे हैं पंजाब महसूस कर रहे हैं। देखो ना जिन्हें भी मुख्यमंत्री आए ने किसी ने की सुधार लिया पंजाब का? किसान अज भी सुसाइड कर रहा, किसान अपनी फसलों लैके अज भी रो रहा, व्यापारी अपने कारोबार लैके अज भी रो रहा, नशे को लैके सारा पंजाब ही रो रहा, घर घर च नशे ना मौत हो रही नहीं हो रही? होर तो होर साड़ी जिहड़ा रेत साडा 100 रुपये का 50 रुपये का गड्ढा विकता सीगा, अज वो 10-10, 25-25, 30-30 हज़ार का टिप्पर विक रहा, कि करके बुरे जगह जगह शराबखाने खुल गए। दसो ना कि साडा पंजाब
खालस हो सकता, किदा साडा पंजाब बिल्कुल शुद्ध हो सकता, उन्हें शुद्ध करने लिए एक अच्छा प्रयास करना पेगा। वो अच्छा प्रयास हिंदू समाज का परिवार का बच्चा ही कर सकता है। ठेके का फिर लुधियाने के भी ठेके बड़े खोले, तो किदन शिवसेना ने फिर धरना ला लिया भी ठेके बंद करा के। शिवसेना ने कोई ठेका ले लिया हर चीज़ का विरोध करन दा, मैं ही ठेका ले लिया विरोध करन दा, एक गल समझो ना, मैं तो सारे समाज की गल कर रहा ना। जो पिछों जिहड़े जिन्होंने सत्ता रखी, जिन्हों को सत्ता रही, अकाली दल को रही, कांग्रेस को रही, इन्नी देर की सत्ता, अगर उन्होंने सानू अच्छा राज नहीं दिता, सानू फर्क फर्ज हुंदा ना, एक राजे का फर्ज की हुंदा भी मैं अपनी जनता सुखी रखा, एक राजे का फर्ज की हुंदा भी मैं जिहड़ी मेरी जनता सुखी रहे, खुशहाल रहे, कोई चोरी ना हो, कोई डाका ना वजे, बिल्कुल सारे समृद्ध होना चाहिए पंजाब का। तुसीं ये देखो पिछले 50 साल तो साडा पंजाब कित्थे जा रहा है, जिहड़ी सरकार आंदी कहिंदी साडा खजाना खाली नहीं, नौजवान साडे बेरोजगार घूमते पे ने, ठीक है, टैंकियां नौकरियां लई टैंकियां चढ़े फिरते हैं, किन्हां दी देण है, जिन्हें सत्ता रुड़ते हैं, जिन्हें सत्ता आई, सत्ता किन्ह ने, राज किने, राज किने कि साडे पंजाब का राजा कौन सी, एक समाज सिख समाज तो व्यक्ति सीगा। मैं की कह रहा हूँ, बड़ा राज देख लिया, एक बार मौका देख के तो देखो, ये तुहानू प्योर राज मिलता नहीं मिलता, तुहानू हिंदू समाज का मुख्यमंत्री तुहानू नशा मुक्ति करता दिंदा नहीं दिंदा, तुहानू हिंदू समाज का जिहड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तुहानू भ्रष्टाचार शासन दिंदा नहीं दिंदा, तुहानू जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री हिंदू बनेगा, क्या तुहाडे पंजाब दा उस राज दे विच किसान खुशहाल हुंदा नहीं हुंदा, क्या तुहाडा उस व्यापार चलदा नहीं चलदा, देखो तो सही, मौका तो दिओ, मौका दिता नहीं आपां रोला पा लग जांदे आ। पहला मैं कहना ना, कट्टरवादी भी कहिंदे साडा हिंदू साडा भरा है, तो एक हिंदू भरा उहनां दा पंजाब दा मुख्यमंत्री बन जूगा, तो उहनूं समर्थन देण च इतराज़ क्यों है। टंडन साहब, एक तुसीं पहला गल कही सी वी गुरु गोबिंद सिंह दी असीं गल कर लईए, उहनां ने सिंह साजिआ सी, ते उस सिंघां ते सिखां च की फर्क आ, तुसीं कहिंदे उन्होंने सिंघ साजे सी सिख बन गए, सिंघां ते सिखां च फर्क की आ, हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह गल आप कही सी, सब सिखण को हुक्म है गुरु माण्यो ग्रंथ, तो फिर तुहानूं सिंघां ते सिखां च फर्क की लगता। जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिंघ साजे ना, वह लड़ाई लड़ते हैं, गुरु गरीब दी गऊ गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब गरीब की रक्षा करना, किसी दे नाल अत्याचार हुंदा होवे उहदी रक्षा करना, उहदी लड़ाई लड़दे ने, पर अज्ज दी तरीक हो की रहा दसो ना, जिन्नी वी जथेबंदियां निहंग दी बणियां, कुछ जथेबंदियां दा हाल देखिया तुसीं, किसी दा गाटा लाता, किसी दा कुछ लाता, कृपान पाई आ, जिहनूं मर्जी वटता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इहदे लई सिंघ नहीं साजे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिंघ साजे सी अपनी देश की राखी लई, अपने समाज की राखी दे लई, उदों सिख की गल नहीं सीगी, उदों तां सिर्फ समाज की गल सी, समाज की रक्षा लई मुगलां नाल लड़ाई लड़नी है। ये तो जिहड़े लोग गल करते ना भी गुरु गोबिंद सिंह ने हिंदू समाज की उहदे लई लड़ाई लड़ी ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो लड़ाई लड़ी पूरे समाज की लड़ाई लड़ी, उदों हर हिंदू परिवार ने अपने घर च एक एक बच्चा दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल, कंधे ना कंधा मिला के लड़ाई उन्होंने चरणों च पैक बिठा के भी नहीं, जिहड़े साडे परिवार के बच्चे ने महाराज जी तुहाडे नाल लड़ाइया लड़नगे, तुहाडे नाल जाके देश के दुश्मनों नाल लड़ाइया लड़नगे, समाज विरोधी लोगों नाल, इह लोग हथियार चक के लड़ाइया लड़नगे, जंगा लड़नगे, लड़िया भी बाबा बंदा सिंह बहादुर लड़ाई लड़ी ना, कई ऐसे युद्ध हुए जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल कंधे ना कंधा मिला के मुगलों के खिलाफ लड़ाइया लड़िया। गल अज भी लड़ाई लड़न की लड़ है, मैं फिर कहना, जिथे खालिस्तान की लोग गल करते हैं, असी लोग खालस राज की गल करते, खालस राज प्योर शुद्ध राज, जिथे कोई चोरी की किसी को लोड़ ही ना हो, चोरी होवे क्यों, चोरी की लोड़ ही क्यों पवे, जेकर हर बच्चे घर च रोटी पानी मकान मिलेगा तो उन्होंने चोरी करने की लोड़ की पेगी, दसो ना मेरी गल। बड़ा साडे समाज का अपना सिस्टम है, तुसीं देखो धक्का पंजाब दे नाल किदां हुंदा, अगर वड्डियां गल्लां ते आ जाईए ना, बहुत वड्डियां गल्लां मैं अज करना नहीं चाहुंदा, हजे भी राजस्थान च अफीम की खेती करन दित्ती जा रही किसान नूं, उत्थे दा किसान दा खुशहाल हो रहा, पर पंजाब दे किसान नूं अफीम की खेती करन दी अनुमति नहीं दित्ती जा रही, क्यों, ये भेदभाव क्यों, ये विषय कोई क्यों नहीं चकदा, कोई कट्टरवादी लीडर लीडर जां किसान लीडर ये विषय क्यों नहीं चकदा, तुसीं किदां चक्के, मैं बथेरी वारी चक्के, बथेरी वारी असीं बोले आ, एक वारी दो तीन वारी धरने भी लाए ने, गल मैं तो बेसिकली गल करो, इस मजाक का विषय नहीं है, जो अगर पंजाब दे अगर गल करते पंजाब दे हित की, तो इन सीरीयस होकर लड़ना पेगा, सीरीयस होकर वो हक लिए आवाज तुहानू उठानी पेगी, पंजाब की खुशहाली लिए, पंजाब के सिस्टम के लिए बिल्कुल वधिया आवाज लड़ानी पैनी तुहानू। बस सो साडे नाल जिहड़े शिवसेना पंजाब जिहड़ा उन्होंने चेयरमैन लुधियाणा तो जिहड़े राजीव टंडन जी मौजूद सन, जिन्हां ने हुण किते ना किते एक जिहड़ी बयानबाजी है वह भी जिहड़े बदलदी नज़र आ रही है, जिहड़े रंग भी बदलदे नज़र आ रहे हैं, हुण इन्हां वल्लों जिहड़े बयान दिते जा रहे हैं कि हुण असीं जिहड़ा खालस राज की मंग करते हैं, जिहड़ा शुद्ध एक राज होवे जिस विच देसी घिओ दे वांगू जिहड़ा राज होऊगा, तो नवीं जिहड़ियां चीज़ां होणगियां, तो उन्हां वल्लों लगातार हुण जिहड़ी बयानबाजी उह बदली जा रही है। तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस, मैं तुहाडा दोस्त गगन समाध, नाल कैमरामैन प्रिंस कुमार।